इमी तानी और इन्नू एक फुल टाइम ट्रेवल फैमिली और पिछले कुछ हफ्ते से हम वियतनाम एक्सप्लोर कर रहे हैं। वियतनाम हैज रियली टेकन अस बाय सरप्राइज और यहाँ पे हमने वियतनामीज क्रेजी बास्केट बोट्स ट्राई की। वी ऑल्सो वेंट टू द मैजिकल सिटी ऑफ होयान। उसके अलावा हमने यहाँ का फेमस गोल्डन हैंड ब्रिज विजिट किया एंड ऑफकोर्स ऐसे स्पॉट्स विजिट किए जहाँ टूरिस्ट नहीं जाते। लेकिन आज की वीडियो में हम कुछ बहुत स्पेशल और कुछ अलग करने वाले हैं। वी आर विजिटिंग आवर फर्स्ट एवर केव, सो कीप ऑन वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम वियतनाम। तो मैं तानी और इन्नू एक और एडवेंचर पे आज निकलने वाले हैं। आज बहुत एक्साइटिंग डे है। तो आज हम एक जगह पे हैं जिसका नाम है डोंग होए और कल हम एक्चुअली यहाँ पहुँचे थे। कल की बहुत एक क्रेजी जर्नी थी। हमने एक ही दिन में दो ट्रेनें पकड़ी थी। पहली दफ़ा वियतनाम में ट्रेन पकड़ी थी और वो भी दिन में दो दफ़ा, और हम रात के 12 बजे यहाँ पहुँचे हैं। अभी सुबह के 7-8 बज रहे हैं एंड हम टूर पे निकल रहे हैं बिकॉज वी आर एक्चुअली हेडेड टू अ प्लेस कॉल फोंग एनएचए। फोंग एनएचए जो है इट्स अ नेशनल हेरिटेज साइट और यहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा केव है, एज लॉन्ग एज द लॉन्गेस्ट ड्राई केव इन द वर्ल्ड। तो आज हम दो केव्स विजिट करेंगे और तकरीबन जहाँ हमें इन्होंने पिक किया है सिटी, मेन सिटी में यहाँ से 45 एक घंटे की ड्राइव है। हम नेशनल पार्क जाएंगे, द फोंग एनएचए नेशनल पार्क, और फिर वहाँ से हम आज का टूर शुरू करेंगे। हम तीनों के लिए आज का दिन बहुत एक्साइटिंग होने वाला है, स्पेशली फॉर इनाया बिकॉज उसको बहुत फैसिनेशन है केव्स के अंदर जाने की और ये पूरी अलग दुनिया देखने की। तो मेक श्योर करें कि आप एंड तक देखेंगे व्लॉग एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। कीप ऑन वॉचिंग। अच्छा, तो तकरीबन 2 घंटे की बस राइड थी डोंग हुए से और हम लोग अब पहुंच चुके हैं फोंग एनएचए, जो यहाँ का हेरिटेज एरिया है पूरा। और तकरीबन कहा यह जाता है कि ये कम से कम पूरी जगह जो है ये तकरीबन 400 मिलियन ईयर्स ओल्ड है। आज प्लान ये है कि हम दो केव्स जो है वो एक्सप्लोर करेंगे। पहली का नाम है पैराडाइज केव और दूसरी जो है वो फोंग एनएचए केव है। तो पैराडाइज केव में एंटर होने के बाद हमें जो है वो बगी में बिठा दिया है और ये बगी जो है ये हमें लेके जाएगी मेरे ख्याल से जो मेन एंट्रेंस है, जो मेन ओपनिंग है केव की, और ये बगी जो है ये फट रहे हैं। तो तकरीबन 15 मिनट की हाइक करने के बाद, और बिल्कुल स्टीप हाइक थी, अपहिल थी बहुत, पहाड़ के ऊपर चढ़ के आना था, मुश्किल से 15-20 मिनट लगे होंगे, 650 मीटर्स डिस्टेंस था। अब हम लोग पहुंच गए पैराडाइज केव की मेन एंट्रेंस पे और जैसे ही हम लोग यहाँ ऊपर पहुंचे एकदम से वो ठंडी हवा का झोंका जो है वो फील हुआ है, क्योंकि जाहिर है केव है, अंदर जो है टेम्परेचर बिल्कुल अलग है, क्लाइमेट अलग है केव का, और बाहर शदीद गर्मी है, मेरे ख्याल से 43-44 डिग्रीज है अभी, और केव के अंदर मुश्किल से 20 या 22 होगा। पैराडाइज केव जो है ये बेसिकली फोंग एनएचए में ही वाकई है। तो फोंग एनएचए जो है इसके बारे में कहा जाता है ये तकरीबन 400 मिलियन साल पुरानी जगह है और ये केव्स जो हैं यहाँ पे जो बनी है ये तकरीबन 3 मिलियन ईयर्स अगो कुदरती तौर पे फॉर्म हुई थी। उसके साथ साथ यहाँ पे दुनिया की सबसे बड़ी केव जिसका नाम शेंडोंग है, यहाँ पे लोकल्स उसको शेंडोंग के नाम से जानते हैं, इंग्लिश में उसको सेंडोंग के नाम से जाना जाता है, वो दुनिया की सबसे बड़ी लार्जेस्ट केव है, लॉन्गेस्ट नहीं है, लार्जेस्ट है। लॉन्गेस्ट जो है वो मेरे ख्याल से यूएसए में है मेमथ केव के नाम से। और शेंडोंग के बारे में ये भी कहा जाता है कि वो इतनी बड़ी है कि अंदर जो है वो आप स्काई स्क्रेपर्स बना सकते हैं, उसके अंदर पूरा एक इकोसिस्टम बना हुआ है। अभी जो है हम सबसे पहले जा रहे हैं पैराडाइज केव के अंदर।
अच्छा, तो इसकी मैं बड़ी इंटरेस्टिंग सी हिस्ट्री बता देता हूँ पैराडाइज केव की। बेसिकली हुआ ये था कि 1992 में एक ग्रुप था केवर्स का जो काम कर रहे थे ब्रिटिश केव रिसर्च एसोसिएशन के लिए, इंग्लैंड से ताल्लुक था उनका, और वो इस खत्ते में मौजूद थे। यहाँ पे वो केव्स जो हैं वो विजिट कर रहे थे, एक्सप्लोर कर रहे थे, और जब वो यहाँ से गुजरे, केव के साथ बहुत बड़ा सा दरिया लगता है, तो जब वो रिवर के पास से गुजरे तो उनमें से किसी एक को जो है ये केव की ओपनिंग बेसिकली नजर आई थी, और उन्होंने ये तय किया कि चलो हम इसके अंदर जाते हैं, चेक करते हैं कि ये क्या है और कितनी बड़ी है, क्योंकि वो यही काम करने यहाँ पे आए हुए थे। तो अपेरेंटली कहा यह जाता है जब वो इसके अंदर एंटर हुए तो एक तरफ से वो एंटर हुए और दूसरी तरफ से जो है वो बाहर निकले, और उसके बाद 1992 के बाद जो है ये बात दब गई, किसी को इतना पता नहीं चला, किसी को मालूम नहीं हुआ कि ये केव कितनी बड़ी है, क्या इसकी हिस्ट्री है और कितनी लंबाई के ऊपर जो है ये फैली हुई है। उसके बाद यहाँ पे तकरीबन 2005 में यहाँ का एक लोकल वियतनामीज विलेजर था, फॉरेस्ट मैन था, उसने जो है ये जगह देखी, और उसके बाद वो वही केव टीम के साथ जो लोग यहाँ पे केव एक्सप्लोरेशन के लिए आते थे उनके साथ ग्रुप की शक्ल में जो है वो यहाँ पे आया, और ये कहा जाता है कि 2005 में ऑफिशियली ये केव डिस्कवर हुई है एक लोकल वियतनामीज जंगल मैन की वजह से। अच्छा, तो पैराडाइज केव को एशिया की सबसे लंबी तरीन या लॉन्गेस्ट केव क्यों कहा जाता है, तो इस बात का अंदाज़ा इस चीज़ से लगाया जा सकता है कि इस केव की जो हाइट है वो तकरीबन 72 मीटर्स है, कोलोसल है साइज में। उसके अलावा जो इसकी चौड़ाई है वो तकरीबन 150 मीटर्स है और सी लेवल से तकरीबन ये 200 मीटर्स ऊपर है। अच्छा, दुनिया में सैकड़ों की तादाद में केव्स हैं, तो जो रिसर्चर्स हैं, जो केव एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने जब ये पैराडाइज केव विजिट की थी और एक्सप्लोर किया था इसको, तो उन्होंने ये कहा था कि यहाँ अंदर जो केव के लाइमस्टोन फॉर्मेशन हुई हुई है, रॉक फॉर्मेशन जो है वो दुनिया की खूबसूरत तरीन फॉर्मेशन और लाइमस्टोन फॉर्मेशन में से एक है, और इसी वजह से इसको पैराडाइज केव का नाम भी दिया गया। और ये जो मेरे पीछे स्पाइकी सी शार्प सी चीज़ें नज़र आ रही हैं, ये बेसिकली जो है ये डिपॉजिट्स हैं, मिनरल डिपॉजिट्स से ये खुद ब खुद कुदरती तौर पर फॉर्म होती हैं। इंग्लिश में इसको स्टिलैक्टाइट्स या स्टिलैग्माइट के नाम से जाना जाता है। तो केव के अंदर यहाँ की गवर्नमेंट ने एक वुडन पाथवे बनाया हुआ है, इट स्ट्रेचेस टू 1 किलोमीटर्स लॉन्ग। वैसे ये 9 किलोमीटर्स की है केव, और आगे अंदर ही अंदर बहुत अलग दुनिया है, लेकिन हम सिर्फ 1 किलोमीटर देख सकते हैं। अच्छा, जो विजिट करने आते हैं लोग यहाँ पे वो सिर्फ 1 किलोमीटर को देख सकते हैं मेनली, ताकि बाकी एरिया प्रिजर्व रहे। अच्छा, तो ये बेसिकली वही रॉक है जो पूरा ये केव के अंदर मौजूद है, लेकिन ये थोड़ा सा हिस्सा जो है ये बाहर की तरफ निकला हुआ है, और ये पानी लग लग के और वो जो मिनरल डिपॉजिट्स हैं उनकी वजह से कुदरती तौर पे जो है ये इतना स्मूथ हो गया कि ऐसा लग रहा है कि ये मार्बल है, संगमरमर जिसको कहते हैं। अच्छा, जब हम लोग वियतनाम आ रहे थे तो हमारी जो एक्सपेक्टेशंस थी, जो चीज़ें हम तवक्को कर रहे थे वियतनाम से, काफ़ी उसके बरक्स हुई हैं। हमें पता था कि यहाँ पर बहुत खूबसूरत लैंडस्केप है, कल्चर है, खाना है और कलर्स हैं, ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन हमें ये बिल्कुल नहीं आइडिया था कि यहाँ पे हमें दुनिया की सबसे बड़ी केव भी मिलेगी। खैर, हम उसके अंदर नहीं जा रहे क्योंकि वो तकरीबन 3 से 4 दिन का एक्सपेडिशन होता है, बच्चों के साथ आप नहीं कर सकते और आपको वहीं पे नाइट स्पेंड करनी होती है। तो जब आप 3 या 4 दिन का एक्सपेडिशन लेते हैं तो आप रुकते रुकाते जाते हैं, मुख्तलिफ स्टॉप्स होते हैं जहाँ पर आप रात में रुकते हैं, सोते हैं, कैंपिंग करते हैं, तो वो इंशाल्लाह अगर मौका मिला तो वो ज़रूर करेंगे। तो हमने अपना वेजिटेरियन लंच कर लिया है, बहुत मज़ेदार था और यहाँ का वियतनामीज फूड था एक्चुअली। और अब हम आ गए हैं फोंग एनएचए केव की एंट्रेंस पे। तो इस केव में घुसने के लिए हमें एक्चुअली कायाक या बोट पकड़नी पड़ती है, यू कैन नॉट एक्चुअली वॉक इन देयर, एंड वी आर गोना गो डाउन टू द बोट।
अच्छा, तो जहाँ पे हमें ये लगना शुरू हो गया था कि वियतनाम में बाकी में बहुत कुछ है करने के लिए, वियतनाम ने हमें सरप्राइज कर दिया, हम दंग रह गए यहाँ पे आके, और अब क्या हो सकता है, इससे ज्यादा क्या हो सकता है। मतलब हमने बाकी में जो चीजें नहीं तसव्वुर की थी वो हमने इस मुल्क में देख ली हैं, और उसकी थोड़ी देर बाद हम लोग पहुंच चुके हैं एक और ऐसी जगह जहाँ पहुंचते के साथ ही मेरे ख्याल से हमारे होश जो है वो उड़ गए। और वो होता है ना, कभी कभार आपके पास अल्फाज नहीं होते और आपको समझ नहीं आता कि आप किस तरह से लफ्जों में बयान करें। एक अलग ही दुनिया है, एक अलग ही जगह है, इसको फोंग एनएचए केव कहा जाता है। फोंग एनएचए केव की टोटल लेंथ जो है तकरीबन कही है जाती है कि 40 से 45 किलोमीटर्स लंबी स्ट्रेच के ऊपर ये फैली हुई है, और किसी को ये नहीं पता कि ये केव के अंदर से जो पानी आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है। और कहा यह जाता है, यहाँ के लोकल्स यही बता रहे थे कि ये पानी जो है, जो केव के अंदर पानी मौजूद है, ये रिवर का पानी अंदर नहीं जा रहा, ये पानी केव के अंदर से बाहर आ रहा है, जो रिवर में मिल रहा है। तो बहुत अजीब और बहुत ही अनहोनी सी बात है कि ये पानी कहाँ से आ रहा है। जो माउथ ऑफ द केव है, जो मेन एंट्रेंस है, वो तकरीबन 20 से 25 मीटर्स वाइड है। उसके साथ साथ टोटल जो इसकी हाइट है तकरीबन 10 मीटर्स हाई है ये केव, और किसी को ये नहीं पता कि ये असल में वजूद में कब आई। लोग यहाँ के जो लोकल्स हैं वो यही कहते हैं कि मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो जो है पहले ये वजूद में आई थी। अभी यहाँ पे हमने केव के अंदर भी केव्स देखी हैं, यहाँ पे छोटी छोटी गारें बनी हुई हैं। साथ साथ हमारे जो टूर गाइड हैं उन्होंने हमें ये भी बताया कि यहाँ पे मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो यहाँ के जो लोकल्स होते थे, जो इस खत्ते में रहते थे, वो इन केव्स में रहा करते थे। खाना पकाना, हर चीज़ जो है ओढ़ना बिछोड़ना उनका इन्हीं गारों में, इन्हीं केव्स में होता था। सो अकॉर्डिंग टू स्पेशलिस्ट, ये जो एक्चुअल केव फॉर्म हुआ था टेक्टोनिक शिफ्ट की वजह से ये फॉर्म हुआ था, और यहाँ के लोकल्स ने बिल्कुल अंदर केव में कोई राइटिंग देखी, जैसे पत्थर से की हो राइटिंग ऑन द वॉल्स, और उससे उन्होंने काइंड ऑफ अंदाज़ा लगाया कि बहुत पुराना ये केव है। अब हम एक और वुडन पाथवे पे जाके इस पूरे केव को फॉलो अलॉन्ग करेंगे। फोंग एनएचए केव भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर आता है, एंड इट इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग। मेरा दिल कर रहा है मैं हर जगह बस देखूं और अपनी आंखों में तस्वीरें ले लूं इस जगह की। और जब हम आ रहे थे, हल्का हल्का पानी ड्रिप हो रहा था फ्रॉम द टॉप ऑफ द केव, और यहाँ के लोग बिलीव ये करते हैं कि अगर वो पानी आप पे गिरे, इट्स अ साइन ऑफ गुड लक। And this cave, it has a long history. Yes. When like the Cham people live here during the Cham people. Yeah. Because that's the old kingdom of Vietnam in more than 1,000 years ago. The Vietnam then, government tries to French work. People, they also have like kind of for tourism here in the past. Because the French came here in the past, right? With the French war. Then in the Vietnam War, this cave became the hospital for the north of Vietnam. This cave became the hospital? Yeah. And the storage of the north of Vietnam. Close to the cave entrance, they also had some bombing during the war. Also, like this cave or many caves around here, they also use that for hiding. Okay, of course. You see the best place, right? The best place. Yeah, with the air, with the everything. Big mountain cover. So it's a good place in here. Wow. तो अभी हमें पता चला है कि ये जो एक्चुअल केव थे सारे, स्पेशली द फोंग एनएचए केव, ये एक्चुअली हॉस्पिटल होता था वियत कॉन्ग सोल्जर्स का, जब नॉर्थ और साउथ वियतनाम में वॉर चल रही थी। उसके अलावा यहाँ पे जो सोल्जर्स थे वो छुपते भी थे और अंदर ही रहते थे, एंड इट वाज द परफेक्ट हाइडिंग स्पॉट। हमें बहुत मज़ा आ रहा है आज इस टूर पे, एंड अगर आप सबको भी मज़ा आ रहा है हमारा व्लॉग देख के, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। कमेंट सेक्शन में अपने एक्सपीरियंसेस, अपने क्रेजी एक्सपीरियंसेस जो भी आप सबने किए हैं वो शेयर करें, ताकि हम तीनों जाके वो करें और आप सबके साथ शेयर करें। फाइनली फ्रेश गन्ने का जूस। दिल नहीं चाह रहा इस जगह को छोड़ के जाने का, लेकिन जाना पड़ेगा, तो हमें फ्लाइट पकड़नी है। तो हमने फाइनली अपना सामान चेक इन करवा दिया है, बोर्डिंग पासेस हमें मिल गए हैं। इट इज़ लाइक 7 o'clock और 7:30 हमारी फ़्लाइट है, और आज का दिन
अमेजिंग था, क्योटिक था, लेकिन बहुत अच्छा था, लाइफ चेंजिंग था. ऑनेस्टली आई थिंक आज के बाद मैं और तानी केव्स विजिट करेंगे और ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा करेंगे. अब तक हम सिर्फ माउंटेन्स और वैलीज और ये वाली चीज़ें कर रहे थे. सो ये एक होल अदर डायमेंशन था. हमारी फ्लाइट 1.5 आवर की है. दिस वॉज द ईजी वे फॉर अस बिकॉज यहाँ से तकरीबन 9.5 आवर्स है हनोई इफ़ वी वर टू गो बाई कार. और कॉमेंट्स में ज़रूर बताएं कि ऐसे क्रेजी कौन से एक्सपीरियंसेस हमें करने चाहिए. कोई भी जगह हो सकती है वो दुनिया में. थैंक यू गाइज सो मच फॉर वॉचिंग. अल्लाह हाफिज़. बहुत तेज़ बारिश हो रही है लेकिन हम लोग हनोई पहुँच गए साथ खैरियत से.